हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान पार्क। दोस्तों, एसएसएलसी, मैट्रिकुलेशन और क्लास 10, क्या तीनों एक ही हैं? अगर तीनों एक ही हैं तो फिर अलग अलग नाम क्यों? तो दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा, सो प्लीज आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे अपने कंट्री का जो नेम है वो डिफरेंट है इन डिफरेंट प्लेसेस पर, जैसे कि फॉरेन या फिर साउथ या फिर किसी इंग्लिश लैंग्वेज में अपने कंट्री को इंडिया के नेम से जानते हैं, फिर पाकिस्तान या कश्मीर के साइड में अपने कंट्री को हिंदुस्तान के नेम से जानते हैं, और जो अपना नॉर्थ इंडिया फिर या फिर हिंदी लैंग्वेज स्टेट्स जो हैं वहाँ पर भारत के नाम से, और आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे अपने कंट्री को आर्यवर्त के नेम से भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, नेम अलग अलग हैं लेकिन अपनी जो कंट्री है एक ही है। और दोस्तों, अब ये नेम अलग अलग कैसे पड़े इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एसएसएलसी और मैट्रिकुलेशन क्या तीनों एक ही है, और क्या और अगर एक ही है तो दोनों का नाम अलग अलग क्यों है। तो दोस्तों, इसको बताने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो बेसिकली एक फंडामेंटली जो स्टार्टिंग के जो 5 ईयर होते हैं उसको हम प्राइमरी स्कूलिंग कहते हैं, और उसके बाद के जो 5 ईयर होते हैं उसे हम सेकेंडरी स्कूलिंग कहते हैं। तो दोस्तों, जो सेकेंडरी स्कूलिंग होता है, जब आप इसे कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्कूलिंग लिविंग सर्टिफिकेट, जो कॉमनली एसएसएलसी के नेम से फेमस है। अब ये दोस्तों, इंडिया में जो दिया जाता है एसएसएलसी, ये क्या किया गया है कि एक इंटरनेशनल मार्केट होता है एजुकेशन का, उससे लिया गया है एसएसएलसी को। लेकिन दोस्तों, ये जो एसएसएलसी जो टैग है ये बेसिकली फेमस है, वो है केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में। तो दोस्तों, ये ओनली 3 स्टेट्स में ये फेमस है एसएसएलसी, जो इंटरनेशनल मार्केट से लिया गया है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, जो मैट्रिकुलेशन है ये भी क्लास 10 पास करने पे ही आप लोगों को एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो ब्रिटिश रूल से लिया गया था, और ये भी क्लास 10 ग्रेड में आता है दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों, ये क्या है कि जो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के अलावा जो अदर स्टेट्स हैं वहाँ पर मैट्रिकुलेशन चलता है। लेकिन दोस्तों, अब बात करूँ दोनों की, तो दोनों क्या है कि एसएसएलसी और मैट्रिकुलेशन दोनों की दोनों सेम है दोस्तों। दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेम का डिफरेंस है कि उन तीनों स्टेट्स में एसएसएलसी के नेम से जानते हैं, और जो अदर नॉर्थ इंडिया के जो या फिर ऑल ओवर अदर स्टेट्स हैं वहाँ पर मैट्रिकुलेशन। कुछ कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं दोस्तों जहाँ पर वहाँ पर 10 के नाम से सिर्फ जाना जाता है, वो है हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, एमपी, पंजाब, राजस्थान। बाकी दोस्तों, अदर स्टेट्स में एसएसएलसी में जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और अदर स्टेट्स में मैट्रिकुलेशन। लेकिन दोस्तों, इन तीनों का मतलब एक ही है। अगर आपने कभी किसी फॉर्म को भरने के वक्त आपने कहीं पर मैट्रिकुलेशन की जगह एसएसएलसी या फिर क्लास 10 डाल दिया होगा तो आपको परेशान होने की कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जैसे अपने कंट्री का जो नेम है अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग नेम से जाना जाता है, ठीक इसी प्रकार जो दोस्तों जो क्लास 10 एग्जामिनेशन है इसको भी अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग नेम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि जो आपके कंफ्यूजन या कुछ डाउट्स रहते होंगे वो क्लियर हुए होंगे। साथ ही दोस्तों, एक आपको एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि इन तीनों में अलग अलग नेम क्यों हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इसे प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, इसे कोई क्वेरी जो होगा तो कमेंट कीजिएगा, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ साथ रेलवे से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट देता रहता हूँ जो आपको कभी मिस ना हो। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।